चार पांच दिन बाद आज व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और तीन चार दिन से मैं नीचे ही नहीं आया था। गाड़ी भी मैंने ज्यादा स्टार्ट नहीं की थी, यहाँ वहाँ कहीं पे भी यूज नहीं किया था। और आने के बाद देखिए क्या पता चल रहा है, यहाँ का ये और यहाँ का ये दोनों गायब है। पता नहीं कौन से बच्चे लोगों ने क्या मस्ती की। ये यूजुअली यहाँ पर रहता है, इसे मैंने पूछा बट इसे नहीं पता क्योंकि ये गाँव गया था। अब किस बच्चे ने ये दोनों मेरा निकाल के कहाँ पे फेंक दिया कुछ आइडिया नहीं। तो ये भी और एक खर्चा बढ़ गया। अभी आने वाले दिन में बड़ा राइड होने वाला है, उसके तो खर्चे ही है और ये भी खर्चे हो रहे हैं। तो अगर कोई देख रहा है बच्चे लोग जो मेरे सोसाइटी में रहते तो प्लीज़ ये मत कीजिए। अगर किसी मम्मी पापा पेरेंट्स लोग भी देखते हैं तो प्लीज़ उन्हें बताइए कि ऐसा चीज़ ना करें, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ है बहुत महंगी मिलती है और बहुत काम की भी चीज़ होती है, तो ये मुझे लगाना ही पड़ता है। तो अब जैसे कि ये किसी ने पता नहीं फेंक दिया तो अब मुझे न्यू लेना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ का जो लाइट है ये भी थोड़ा लूज था, अब तो मैंने इसे टाइट कर दिया, अब नहीं हिल रहा। अल्सो मैं अभी निकला पूजा को लेने, पूजा थोड़ी सी बीमार है तो ऑफिस गई थी सुबह, उसे ठीक नहीं लग रहा था। हमने मना कर दिया था कि मत जा बट फिर भी उसे जाना था, तो ऑफिस तो चले गई थी बट अभी वो ठीक नहीं लग रहा उसे, तो अभी उसका जस्ट कॉल आया था तो उसे लेने जा रहा हूँ। मैंने सोचा गोप्रो में शूट करूंगा, जैसे कि मैंने अभी इतने दिन से व्लॉग ही नहीं किया तो गोप्रो अंदर का अंदर ही था और आजकल ठंडी का मौसम शुरू हो गया तो ठंडी के मौसम में ये गोप्रो की बैटरी पूरी ड्रेन हो गई। यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि गोप्रो चालू ही नहीं हो रहा, तो अब ये ऐसे हम पहन के जाएंगे और पूजा को लेकर आ जाते। कब से आके खड़ी थी तू? आधा घंटा? झूठ झूठ बोल रही है। नहीं बंद किया मैंने, बैठ बैठ बैठ, थोड़ा बहुत लेट हुआ है बट आधा घंटा नहीं हुआ, ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। बुआ का कॉल आ गया था इसलिए मेरे को रुकना पड़ा। तो बुआ का भी कॉल आया बहुत दिनों से, एक हफ्ते से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था तो बुआ को लगा पता नहीं क्या हो गया, इसलिए बुआ ने भी मुझे कॉल करके पूछा। तो आज से अगेन मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है, अभी मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। एक्चुअली मुझे भी सर्दी थी, आँख दर्द होता था, आँखों से पानी आता था, तो मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए रेस्ट ले लेता हूँ, वीडियो शूट कुछ नहीं करना है। क्योंकि जब मैं घर पर शूट करता हूँ तो जो मोबाइल का फ्लैश है वो भी आँख में आते तो वो फ्लैश बहुत खतरनाक पड़ता है आँख में और आँख में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चलिए चलते हैं घर वापस। चलो कुछ पानी भी नहीं, कुछ दोपहर को खाना खाया कि नहीं? खाया रे, दवाई खाया, खाना खाया, अब खाया तो चालू कहाँ से? दवाई खाने के बाद भी देखो प्रॉब्लम तो? हाँ दवाई खाने के बाद तू रेस्ट नहीं ली ना, इसलिए लगता है एसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तेरे को। यहाँ पर पुलिस है आगे इसलिए कोई भी मूव नहीं हो रहा, नहीं तो सिग्नल खत्म होने से पहले ही लोग अपने आप मूव हो जाते हैं। ये देखिए अभी भी 15 सेकंड बाकी है, 12 सेकंड, पुलिस ही फॉलो नहीं कर रही, अभी भी टाइम बचा हुआ है। 8 कितना बहुत टाइम है, बहुत टाइम। बच्चे लोग हेलो दीदी बोल रहे, हेलो तो बोलती किया ना, सिर्फ हाथ हिलाया तूने, उन लोगों को पता भी नहीं चला रहेगा। नीचे बच्चे लोग बोल रहे हेलो दीदी, हाँ उसे बोलने की ताकत भी नहीं रह गई पूजा को, ऐसे ऐसे कर रही थी बेचारे बच्चे लोग, साइकिल चला रहे, देखा भी होगा कि नहीं पता नहीं। बुखार भी होना ये तबीयत के, खाना का कॉक कर डाउन हो रही, डॉक्टर के पास नहीं तो दूसरे डॉक्टर के पास दिखा देना। बुखार भी आ रहा है, खांसी हो रहा, सब कुछ हो रहा, सबको हो रहा है, खुद है मैं खुद के डॉक्टर खुद। वो दिव्या भी वैसे ही खांस रही, सोनारी भी वैसे ही खांस, सब क्या है गला देखो कैसे हो रहा है। तेरे को बोल रही हो कांड बनो बना, कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, क्या हंस रहा है क्या कर रहा है। वो दूध ने वर्क डालता है, थोड़ा ही डाल मेरे लिए बना से, क्या डालेगा क्या तो कहो अदरक दरू लौंग जरू वो काली मिर्च है, काली मिर्ची बस, काली मिर्च तेज पत्ता लौंग इलायची मम्मी बनाएगी। नहीं तो तेरा पता चला तू बोलेगी ज्यादा ही मसाला हो गया, थोड़ा थोड़ा डालेगी मेरे लिए बनाने कैसे। हाँ मम्मी तू ही बना। आते ही पूजा सो गई थी और अभी भी स्टिल सो ही रही है, अभी तक उसको ठीक नहीं लग रहा, तो अभी काढ़ा बनाने का है। वैसे मैं बनाने वाला था बट मम्मी कह रही है कि ना मैं कुछ ज्यादा ही मसाला डालता हूँ जो कि अच्छा रहता है, इतना ज्यादा भी नहीं डालता हूँ बट मम्मी ऐसा कह रही है ज्यादा डालता, तो आप मम्मी बनाएगी, मम्मी प्रॉपरली थोड़ा थोड़ा डालेगी। कल मुझे मेरा ये जैकेट भी मिल गया था, ये भी कहाँ पर था कितने महीनों से पता नहीं, मैं ढूंढ रहा था पिछले 2-3 दिन से मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि ये था मम्मी के बैग में और मैं अपने सारे बैग में ढूंढ ढूंढ के थक गया, मुझे मिला ही नहीं। तो सोनाली को कहा था कि मैंने ढूंढना, तो सोनाली ने फाइनली ढूंढा, मिल गया और मम्मी ने आज धो के मुझे दे भी दिया है। तो ये भी जैकेट अब आने वाले दिन में पहनेंगे, आपने ये देखा नहीं होगा, ये वाला भी जैकेट मैंने एक ही दिन पहना था जब मैं मनाली वाले ट्रिप में गया था, उस टाइम पे तो मैं व्लॉग नहीं बनाता था, व्लॉग शूट नहीं करता था, तो उस टाइम का तो आपको कुछ पता नहीं होगा बट ये इस टाइम जब मैं पहनूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए ऐसे रख देंगे इसे ट्रिप वाले बैग में, फिलहाल के लिए तो ट्रिप वाला बैग यही है। अब देखते हैं प्लान सही से हुआ तो मे बी शायद से बैग भी चेंज हो सकता है। कौन सा वाला कैप्सूल? वाफ लेने के लिए विटामिन ई। पानी किधर है? पानी गर्म ही नहीं किया है।
बाद में करेंगे ना, तू लेके आना। तो तेरे को अभी फिलहाल कैप्सूल चाहिए? हाँ। वो अपने पास रख के क्या करेगी तू? मारूंगी ना तेरे को अभी, सो काट के उसके अंदर डालूंगी ना, तब स्टीम लूंगी। तो पहले पानी तो गर्म करके आ जाओ, फिर लेकर आता हूँ ना। अभी नहीं, बाद में करूंगे, तू लेके आ जा। अभी सिर्फ कैप्सूल चाहिए? मार खाएगा इसको, बोल माँ। परेशान कर रहा है इसको, बोल दो। मम्मी मैं परेशान किधर कर रहा हूँ, उसको सिर्फ अभी कैप्सूल चाहिए जो काम का ही नहीं है। जब पानी गर्म होगा तभी वो कैप्सूल यूज करेगी ना। तो वो रख, लेकर रखना। पूजा भी मेरे को चिल्ला रही है, मम्मी भी मेरे को चिल्ला रही है, ला के दे देता हूँ। किधर है पूजा? ये ऑरेंज वाला क्या? तो फिर हरा वाला विक्स का, पाप का। उसको बोल स्टीम लेने के लिए चाहिए, बरोबर देगा, ग्रीन कलर का रहता है वो। लंबी। ओह माय गॉड, तुम लोग दुकान से मंगवा रहे हो? मेरे को लगा यहाँ पर है कैप्सूल, यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसलिए तुम मांग रही है, मुझे ऐसा लगा। दुकान से लेकर रखा, ऐसे बोला। ऐसा बताओ तो सही मुझे कि दुकान से लेने का है, मुझे लगा यहाँ पर बाहर कहीं पर है, मैं उधर ढूंढने गया टीवी के पास। एक बार इसमें चेक कर लेते इसमें है कि नहीं। अरे यार खुल रहा भी नहीं है ये। भाई खुल जा, खुल जा सिम सिम। हाँ नहीं, इसमें कैप्सूल नहीं है। दुकान में बोलना क्या है? कैप्सूल दो विटामिन ए की। मत ना, सीधा मुंह पे आ रहा है वो, तेरे से प्यार करने आ रहा है यार, थोड़ा हाय बाय तो बोल। वो देख वो भी बोल रहा है कि तू बीमार है, इधर है, क्या कर रही है बेड पे। मैक्स पूजा को क्या हो गया? जा जा घूम के अपना, जा घूम के जा। क्या हो गया पूजा को देख तो, सूंघ रहा है देख, उसको पता चल रहा है वो देख। दवाई डालेगा ना भाग जाएगा। हाँ दवाई का तो सही बोला, दवाई से एक नंबर का डरपोक है उसको, जब हम लोग बोलते दवाई दवाई फटक से भाग जाता है। सर्दी का कैप्सूल लेके वो भाप लेते ना। हाँ कितना है ना? कितने का है? 6 रुपए का एक है। दो दे दो। अरे तू उठ गई, ठीक हो गई? ले मुझे लगा कैप्सूल लाने से पहले ठीक हो गई, नेक्स्ट टाइम काम आता था फिर। ओनली 6 रुपीज ले मैक्स, तू खाएगा दवाई, दवाई ले, दवाई ले ले, दवाई खा खा खा, दवाई खा खा खा, दवाई खा, खाओ खाओ खाओ, दवाई खाओ। अब क्या हो गया तेरे को, मुंह छुपा रहा है? ले ले दवाई दवाई दवाई, खाओ 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 खाओ, खाओ 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 खाओ, ले 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 ले। जब से मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट किया है तब से मैं स्पीकर ये हमेशा यूज करता हूँ, जब भी गाड़ी में जाता हूँ। और जब से मैं गाड़ी में जाकर ये स्पीकर यूज कर रहा हूँ तब से मैंने ये स्पीकर को वॉश ही नहीं किया, ये वाटरप्रूफ है, बट अभी फिलहाल मेरे को पानी से नहीं धोना, बट गिल्ला कपड़ा से एकदम अच्छे से सब जगह से वाइप कर देंगे, थोड़ा सा धूल धूल लग रहा है मुझे। वैसे तो मैंने बारिश में 2-3 राइड किया था, उस टाइम पे ये स्पीकर पूरा भीगा हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत तो धुला हुआ रहेगा, बट अगेन रोड पर जब गाड़ी चलती है मिट्टी धूल सब उड़ते ही रहता है, बारिश हो या ना हो। तो मैं भी शायद से बारिश में गिल्ला होने के बाद और थोड़ा गंदा हो गया रहेगा, तो अच्छे से साफ कर देते पूरा। मैं एक कपड़ा देना स्पीकर को साफ करने का। कोई भी छोटा सा चाहिए, ज्यादा थोड़ी ना, हाथ पर चाहना। हाँ ये चलेगा, लेने का नहीं, कोई ढूंढने का नहीं, सब चीज हाथ पर चाहिए। मम्मी ये दे, मम्मी ये दे। आज पता नहीं मम्मी को भी क्या हो गया, पूजा मम्मी सब मुझे ही चिल्ला रहे। अच्छे से साफ कर दिया है, अब मस्त चमक रहा है। अभी भी गिल्ला है क्योंकि गिल्ला कपड़ा मारा था ना, ये देखिए स्टिल थोड़ा थोड़ा गिल्ला दिख रहा है, बट कोई नहीं वाटरप्रूफ है। हाँ तेरे को चाहिए, हड्डी थोड़ी ना है, हड्डी थोड़ी है ये, पकड़ेगा बेटा ये, तेरे मुंह नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा है। आज की शाम के चाय की तलब हम लोग ने कुर्बान कर दी, ऑल बिकॉज ऑफ काढ़ा। काढ़ा वैसे तो पूजा के लिए बनाना था, बट जब बनी रहा था तो हम लोग ने सोचा सभी के लिए बनाते हैं, सबको पसंद है एक्सेप्ट सोनाली दिव्या पूजा के, वो लोग नहीं पीते, वो लोग थोड़ा सा नाटक करते, बाकी हम सब लोग पीते हैं। मैंने ही तो दिया था बना के, और मेरे को ही नहीं पसंद है क्या? मुझे लगा तुझे भी पसंद नहीं है क्योंकि सब लोग, तुम लोग नाटक ही करते ना, सोनाली दिव्या तू। तो एक दो दिन अच्छा नहीं लगा था स्टार्टिंग में, फिर अच्छा अभी अच्छा लग रहा है। शकल देख के तो नहीं लग रहा कि अच्छा लग रहा है, शकल मेरा बिगड़ा हुआ है। पीले पीले जल्दी ठीक हो जा। हाँ जल्दी ठीक होती, तू जल्दी, सॉरी तू रोज पिला ना बना के, तभी ठीक हो जाऊंगी ना। मम्मी मुझे बनाने नहीं देती, मम्मी क्या बोल रही, देख ज्यादा डालेगा। मम्मी बताएगी इसमें मसाला कम लग रहा है ना, सच बता। ठीक है सुन पहले, मम्मी बताएगी तो बना। मम्मी क्या बोल रही है, मैं ज्यादा डालता हूँ, अब इसमें क्या कम लग रहा है ना, तू ठीक है बोल रही है। मम्मी को पूछने का, और मम्मी का और तेरा
मैच करके जो लगेगा वो बना। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मसाला। टेस्ट खुद तो इतना थोड़ा थोड़ा टेस्ट टाइम है कि कितना अदरक दिखता है मुझे। तो फटक से रिकवर होना चाहिए ना, एकदम मस्त लगना चाहिए। तो पूरी शॉप डाल देगा। और तुम लोग जब शक्कर डालते भर भर के तब? हम तो पूरा शॉप नहीं डालते, चार से पाँच चम्मच तो हमको चाहिए था, पाँच छह चम्मच। देख तेरी फेवरेट बहन बीमार पड़ गई। तो मैं ही ख्याल रखती हूँ उसका। इसको बोला सर दबाने तो सर ही नहीं दबाने रही है। ऐसे 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 आवाज तो आ रहा ही नहीं है। आ रहा है, आई ना दीदी का दुख। लुक तेरे को दिखाता हूँ मैं कैसे। ऐसा पूछ इसको अच्छा लग रहा है कि नहीं। हे भगवान। पहले मैंने बार्बर का शॉप भी खोला है पता है क्या। कैसा लग रहा है दीदी रे? ये क्यों आ रहा है? कैसा लग रहा है पूजा, रिव्यू दे तो। तभी से क्यों नहीं किया रे, बाल निकल गए। बहुत सारी गर्दन हिल रहा है उसका। तभी से क्यों नहीं किया, ऐसे लेटी पड़ी है। अच्छा यही पसंद आ रहा है। देखा फुल आवाज देख। मैडम थोड़ा इधर एडजस्ट कर। हाँ जा तेरा भी करो। ये उसका बाल मेरे बाल पे लगा रहा है। बस ज्यादा नहीं पागल। ये ऐसे दुख रहा है बहुत दुख। पता चला भेजा बाहर आ गया। ऐसे दबा के वो आ जाएगा सच में। इसकी तो मैडम आज के लिए बस। मम्मी पूजा की एकदम मस्त फर्स्ट क्लास मालिश कर दिया, अब सर दर्द नहीं होगा उसको। खांसी का पता नहीं क्या क्या, क्या लगाया? कुछ नहीं, विक्स नहीं, अपना हाथ ही काफी है। एकदम मस्त, वो कल व्लॉग में देखना मम्मी। तो फाइनली पूजा का पानी गर्म हो चुका है, जल्दी ले वेस्ट मत कर। अरे हो गया, हो जाएगा। थोड़ा और नीचे, क्या हो रहा है? नाक में जाता है ना। आवाज ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा तू खींच रही है। ये चीज बहुत खतरनाक लगता है जब हम लोग पूरा झुक कर सूंघते हैं ना, बहुत खतरनाक, पूरा अंदर तक जाता है, खतरनाक खांसी सर्दी हो जाती है। रावल को ज्यादा ही होता है। हाँ मुझे ना, आपने तो मेरा जूना व्लॉग देखा होगा, मम्मी ने मैंने हम लोग ने सब लोग ने ऐसा भाप लिया था, बहुत खतरनाक हो गया था। मतलब मुझे सर्दी पे सर्दी आने लगी उसके बाद। उसको भी आ रहे सर्दी पीछे। हाँ। क्यों, क्या सर्दी आ रही है? इसको भी आ रही है सही में? अरे क्या है, पकड़ेगा मेरे को? हुआ कि नहीं, अब कुछ असर नहीं हो रहा है, लगता है खत्म हो गया। गर्म पानी ले रही हूँ। और एक डालू क्या? गर्म पानी का भी लेना चाहिए। और यहाँ पर इंडियन कल्चर फॉलो करते हुए, इंडियन कल्चर मतलब हिंदू लोगों का कल्चर, तो यहाँ पर मम्मी पूजा की नजर उतार रही है। अब देख ले तो फटक से ठीक हो जाएगी, देख तू अभी जादू देख तू मम्मी का। हो गई ठीक? कल परसों देखते हैं।
आज तो पूजा का चादर ही नहीं छुट रहा, जहाँ पर भी जा रही है चादर लेकर ही घूम रही है। ठंडी गर्मी, बट पहले से तो अच्छा ही है, पहले तो बेड पे सोई थी, अभी कम से कम उठ रही है, इधर उधर हिल रही तो है। तो ये आज का दिन का सेकंड काढ़ा है, सब लोग अभी रात को सोने से पहले वापस काढ़ा पी रहे। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। क्या बोल रही बोल बोल क्या बोल रही थी बोल ना क्या बोल रही थी बोल बोल अरे बेचारी खास खांसी से परेशान हो गए, उसका खांसी नहीं जा रहा है। अरे बोल तू ही बोल ना। मैं क्या बोलूं, तू तू कुछ तो बोल रही थी, मेरे को याद ही नहीं, मैं भूल गया। चमेली बुआ को बोल इधर आ जाओ कॉमेडी करने, तो व्लॉग अच्छा होगा।